हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त है अगली शक्ति का, किसान चाची, साइकिल चाची, जानिए इनको। साइकिल चाची बिहार के मुजफ्फरनगर की राजकुमारी देवी को लोग इसी नाम से पहचानते हैं। राजकुमारी देवी ने अपनी मेहनत और कोशिशों से पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। वे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं। राजकुमारी देवी ने महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए खेती का सहारा लिया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से खेती करने का वैज्ञानिक तरीका सीखा। खेत में उगने वाले फल और सब्जियों के इस्तेमाल से अचार और जैम बनाए। वैकल्पिक आय के लिए किया गया उनका यह प्रयोग सफल रहा और उन्होंने इसमें दूसरी महिलाओं को भी शामिल किया। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो साइकिल से जाती हैं और इस तरह उनका नाम पड़ा है साइकिल चाची। वो चाची जो सबकी चिंता करती है और अपने साथ जुड़ी हर महिला को सशक्त बनाती है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजकुमारी देवी का, किसान चाची का, साइकिल चाची का। बहुत बहुत स्वागत आपका राजकुमारी देवी का। इस शक्ति को सलाम हमारा। जब किसान की बात होती है तो मन में एक पुरुष आता है, लेकिन आज राजकुमारी जी इस मंच पर मौजूद हैं और ये किसान चाची के नाम से जानी जाती हैं। राजकुमारी जी, किसान चाची, साइकिल चाची, कैसे पहुंची आप इस सफर तक? आइए इधर आके हम बात करते हैं। हम तो अपना खेती किए, गरीबी को दूर किए, उससे हम बात हमारा प्रश्न निकला हुआ था जो जो खेत में अच्छा फसल उगाने वाले कायम उसका प्रश्न का उत्तर देना था, दिए तो हमको 1,00,000 रुपया मिला और नाम हुआ किसान सिरी। तो जो पढ़े लिखे लोग थे सो किसान सिरी कहे, छोट बच्चे लोग किसान चाची, साइकिल वाला सब लोग किसान चाची है, खेती अच्छा करती है, किसान चाची नाम पड़ा। तो पूरे भारत भर जहाँ देखिए सब लोग किसान चाची से हमको लोग संबोधित करते हैं। आज हमारे मंत्री जी जो बोले हैं तो हम सोच रहे थे कि हम कुछ किए हुए हैं, लेकिन आज ये एबीपी न्यूज वाले को माने हम अथी करते हैं कि बहुत भाग्यशाली हम हैं जो आज यहाँ तक ले पहुँचे। आज हमको जिम्मेवारी मिला है काम करने का, हम सोचे थे कि, लेकिन हम सब हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसान हैं, गांव ज्वार माने हम लोग माने पिछड़े गांव से हैं, उतना हमको ज्यादा बात नहीं, लेकिन समझते सब बात है, लेकिन वो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं उसका माने दो चार रहस्य नहीं निकाल करके। लेकिन हम लोग का जो लोग बैठे हुए हैं तो एक का सुनने का मतलब हुआ कि वो अपने यहाँ जाकर इस बात को विस्तार पूर्वक माने लोग को समझाए उस मार्गदर्शन पर चलने के लिए। तो हम उन लोग से आग्रह करेंगे, महिला जब अपना कमी निकाल लेगी तो इतना धंध करने का कोई जरूरत नहीं है। इतना विश्व में विस्तार पर लोग कहता है फिरिया चरित्र दैबो न जानस, हम लोग खुद हम अपना कह रहे हैं, हम अपना कह रहे हैं, हम अपना गलती को सोझे स्वीकार कर लेंगे तो इतना जो लड़की पर विवाद जो हो रहा है कुछ नहीं होता। देखिए महिला के तो मन हम माँ है, हम अपने बात कह रहे हैं, लड़के किसी को नहीं चाहिए। लड़की जब जन्म लेती है, जैसे हमको 10 साल बच्चा नहीं हुआ, हम बहुत अपने समाज से प्रताड़ित हुए, हमारा मुंह नहीं कोई देख रहा था, कहता था कि बाँझ है, इसको देखने से जात्रा नहीं हुआ। तब उसके बाद में हम एक पढ़े लड़की हुई, फिर लड़का जो हमारा वहाँ बैठे हुए है, तब हमारी जब 90 में दूसरी लड़की हुई तब हमारे ससुर हमको बार दिए। तो हमको बहुत खाने पीने के लिए बच्चे लोग को कठिनाई था, तो हम खेत में अपना स्वतंत्र होकर निकले और काम करने लगे यहाँ तक ले। लेकिन लड़की किसी को नहीं चाहिए, और माने कहने का मतलब आप लोग बुरा नहीं मानिए, बुरा मानिएगा तो होली भी है।
लड़की किसी को नहीं चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए। लड़की होगा तो लोग माने कहता है कि लड़की हो गया, लेकिन विश्व का संचार जो मैडम बोले मंत्री जी बोले हैं कि लड़की से ही होता है, तो लड़की किसी को नहीं चाहिए, आ पत्नी सबको चाहिए, बहू सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, है ना। तो वही हम लोग अपना सुधार लेंगे। लड़की जब घर में रहती है तब माए का दिक्कत है, जो हमारा एगो बच्ची हो गई, दूगो हो गई। माँ जब समझ लेती जब बेटा होने से लड़की लोग एक पर एक काम कर रही है, तो हम लड़की को अपना जन्म दे, सही से उसका देखभाल करे, तो इतना दिक्कत नहीं होता। कहे कि जब तब देखिए, और जेंट्स लोग नाराज नहीं होइएगा, एक शादी है तो दूसरा शादी, तीसरा शादी, तो लड़की रहेगा तब ना शादी होगा, लड़की सब कुछ बनेगा। तो इसलिए हम लोग अपना गलती अपने स्वीकार करके लड़की को ध्यानपूर्वक देखें और जन्म दे और उसका पालन पोषण करें और आगे का भविष्य उज्ज्वल करें, इतना प्रताड़ित नहीं। ठीक, बहुत खूब किसान चाची। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।